बुरहानपुर में फर्जी नामांतरण के मामले में राजस्व विभाग की बड़ी कार्रवाई हुई है। फर्जी नामांतरण करने वाले दलाल पर राजस्व विभाग ने अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलवाया है। बताया जा रहा है कि हमीरपुर में स्थित मोहम्मद असलम का अवैध अतिक्रमण तोड़ा गया। कार्रवाई तहसीलदार राम पगारे ने की। कलेक्टर भव्या मित्तल ने निर्देश पर आज हमीरपुर स्थित टीन शेड का अतिक्रमण तोड़ा गया, जो उसने बिना अनुमति के बनाया था। इस दौरान काफी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा। इनके जो मोहम्मद असलम थे, इनके द्वारा जो वहाँ पर स्ट्रक्चर तैयार किया गया था वो एक्चुअल में पंचायत की उसमें परमिशन नहीं थी, और दूसरा इंक्रोचमेंट में भी आ रहा था, और साथ ही जो PWD का रोड निकला हुआ उस रोड की परिधि में भी वो आ रहा था। तो इसी के साथ ही फिर यहाँ जो इंक्रोचमेंट था उसका, तो पंचायत की तरफ से नोटिस वगैरह जारी करके उसमें आज अतिक्रमण हटाया गया। सर, जो पूरा फर्जी नामांतरण जो मामला आया था उसमें क्या है? हाँ, इनके विरुद्ध जो है वो फर्जी, जो तहसील में फर्जी नामांतरण, फर्जी मेमो की जो कार्रवाई हुई है। चलिए, तो लगातार जो है अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए सरकार काफ़ी सतर्क नज़र आ रही है, और इसी के तहत जो बुरहानपुर में भी फर्जी नामांतरण के मामले में राजस्व विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। इसी के साथ इस खबर पे ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ बुरहानपुर से हमारे संवाददाता गोपाल देवकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोपाल, बुरहानपुर में फर्जी नामांतरण के मामले में राजस्व विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जिसमें असलम करके व्यक्ति का जो है अवैध अतिक्रमण तोड़ा गया, क्या कुछ जानकारी है? जैसे बता देना चाहूंगा कि जिस तरह से गत सप्ताह में करीब करीब 42 जमीन के मामले नामांतरण, जिसमें फर्जी नामांतरण किए गए थे, उसे लेकर के यहाँ पर एक बड़ी कार्रवाई भी की गई थी, और उसमें 3 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसमें से असलम जो कि दलाल था और 2 वकील थे, और जिसमें असलम का हमीदपुरा में एक फर्जी नामांतरण के मामले में जिस तरह से एक जमीन थी जिसके ऊपर अवैध अतिक्रमण किया गया था, जिसमें दुकान और मकान दोनों बनाए गए थे, जिसे लेकर आज इसे ध्वस्त किया गया है, JCB बुलडोजर चलाया गया है यहाँ पर। जी अस्मिता, इनके अलावा और किसी के साथ भी कार्रवाई हो सकती है? जैसा कि आपने बताया 3 लोग इनमें शामिल थे, क्योंकि 42 बड़े मामले इसमें शामिल हुए हैं और 3 लोग आरोपी बनाए गए। निश्चित तौर पर अभी और भी लोग, जो 2 आरोपी हैं, उन पर भी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कार्रवाई की बात सामने आ रही है, और लगातार जांच के दायरे में ये 3 ही आरोपी हैं, और जिनके अवैध अतिक्रमण होंगे या इस प्रकार से कोई भी अवैध कार्रवाई होगी उसके ऊपर बुलडोजर चलाया जाएगा, इस प्रकार से प्रशासन का भी कहना है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बुरहानपुर से हमने आपको खबर बताई, जहां अवैध अतिक्रमण पर फिर से एक बार बुलडोजर चला है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं।